झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आज अवैध खनन मामले को लेकर ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर इन सभी एजेंसियों पर दबाव डालने की आरोप लगाया है। कहा है कि केंद्र सरकार ये साजिश रच रही है, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इसी मामले को लेकर ईडी ने उनसे सवाल किए, लेकिन उससे पहले ईडी दफ्तर पर पुख्ता इंतजाम उनके लिए किए गए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर करीब 500 जवानों की वहां पर तैनाती थी। इस पर हम अपने संवाददाता से ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 17 नवंबर को अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचना है। वहां जाने से पहले हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज मुझे ईडी के दफ्तर में जाना है, जैसे कि मुझे समन दिया गया है। मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आगे हेमंत ने कहा, आरोप कहीं से भी सही नहीं लगते। 1000 करोड़ का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ का खनन होगा? जांच एजेंसियों को पूरी जांच कर ही आगे बढ़ना चाहिए था। जैसे कार्यवाही चल रही है, ऐसा लगता है कि हम देश छोड़कर भागने वाले हैं। सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो हमारी सरकार बनने के बाद से जारी है। बुधवार 16 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के सामने पेशी से ठीक एक दिन पहले ही पार्टी विधायकों की बैठक कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास में हुई थी, लेकिन बैठक में पार्टी के निलंबित विधायकों समेत 8 विधायक पहुंचे। कहां से ये बातें आ रही हैं? एक जिले में तक आपको क्लियर होगा कितने 1000 करोड़ रुपए हैं इनके पास। ये बार बार साहब इनकी बातें होती है, संथाल की बातें होती है, और आपकी आपका पूरा वही सब कुछ है। हमारा तो पूरे झारखंड में पूरे झारखंड में आपका अभेद राजनीतिक रूप से अभेद कहा जाता है संथाल में, लेकिन कोल्हान भी है। मेरा आईडी ऐसा नहीं है, धर्मू महोदय पूरी पकड़िए, कोल्हान और पूरे राज्य में है। तो कुछ लोग हैं जो परेशान हैं इस चीजों को लेकर के, और ये परेशानी उसी वजह से है। तो आ गई परेशानी नहीं मानते हैं। आज साहब हमारे गए हैं एजेंसी में अपनी सफाई दे करके, बुलाया गया बचेंगे उनके नेता ने आरोपों को खारिज किया है। आराम से हसन जी, आराम से बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे, ये होगा वो। अब ये तो अभी आज शाम तक क्लियर हो। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं तो और कौन होगी, इस पर विचार किया जा रहा है क्या? मुख्यमंत्री तो वही नाम है, बसंत सोरेन भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जब हेमंत सोरेन है तो बसंत सोरेन की जरूरत क्या है? और कोई दूसरा है? कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन नहीं रहे। कई बार संवैधानिक संकट होते हैं तो नेतृत्व परिवर्तन परिवर्तन की जब बारी आएगी उस टाइम पे पार्टी विचार करेगी। बसंत जी, क्या पॉलिटिकली मुख्यमंत्री जी को ही अधिकृत भी कर दिया गया है? बसंत जी वही है। बसंत जी आपको लग रहा है कि इसकी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है साजिश है इसमें? अब साजिश है नहीं है? बसंत जी थोड़ा इधर देखिए जी। अरे इधर, अरे उधर मत दिखाइए, हम मीडिया में भाई, किधर से आना है? हम लोग इधर है दादा, ऐसा बोला जा रहा है। बसंत जी बदलना होगा, ठीक है। कल मैं मीटिंग में नहीं था इसलिए बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में। मैं तो जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ थोड़ी देर पहले दुमका से, सर के साथ था यहाँ तक था। बाकी देखते हैं शाम तक क्या। बसंत जी हमेशा सोरेन परिवार ही क्यों निशाने पर तैयार किए गए देखिए, शुरू से लेकर गुरु जी से लेकर अभी तक। बसंत जी कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवाल तैयार की तरह से तैयार की ओर से मुख्यमंत्री से पूछने के लिए जी। चलिए क्या सवाल है ये तो एजेंसी बताइए। बसंत जी हो गया, चलिए हम शाम को समझते हैं। थैंक यू ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में। लगता है कि आज पूरा देश से यहां मीडिया आ चुका है। चलिए बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज सुनाई नहीं दे रहा सर, मुझे नहीं हुआ सर, बोला जा रहा ईडी के दफ्तर में जाना है, जैसे कि मुझे सम्मन दिया गया है। और उस संदर्भ में जो राज्य में इलीगल माइनिंग की जांच
ईडी कर रही है उस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरीके से 1,000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1,000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना कैसे नहीं बना ये समझ से परे है और 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें जब से एजेंसी जांच कर रही है जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार झारखंड के चीफ ब्यूरो राजेश कुमार हमसे जुड़ गए हैं और हम जान लेते हैं कि क्यों आज ईडी के सामने सीएम को पेश होना पड़ा। राजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। जैसे कि मुझे समन दिया गया है मामले को लेकर ईडी ने सीएम को पेशी के लिए बुलाया था, क्या है ये पूरा मामला? मैं बता दूं कि यह एक पुरानी केस है जो खानी निलंबन पर आधारित है। इसका लगभग 1,000 करोड़ की घोटाला का आरोप है सीएम हेमंत पर, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने जो खनिज विभाग था उनके उनके पद में उनके हाथ में था वो पद और पद रहने के बावजूद भी अपने नाम से खनिज अति किए थे। तो इसी को लेकर उनकी जो सबसे जो नजदीकी है पंकज मिश्रा जो कि साहिबगंज में एक उन्हीं का खनिज संपदा का एक मामला आया है, उजागर हुआ है। फिलहाल वो अभी ईडी के गिरफ्तार में है और जब ईडी ने छापा मारा था तो हेमंत सोरेन के जो सबसे नजदीकी माना जाता है पंकज मिश्रा उनके घर से लगभग 5.5 करोड़ के आसपास नकदी और कुछ जरूरतें कागजात बरामद किया गया था। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसा कि अभी जो सूत्र से मिली जानकारी है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि जो ईडी के दफ्तर में जो हेमंत सोरेन को बुलाया गया तो उसके पहले हेमंत सोरेन ने 16 तारीख को ही बोला पत्र लिखे थे कि हमें 16 तारीख को ही बुला लिया जाए, लेकिन ईडी ने किसी टेक्निकल कारण से उन्होंने खारिज कर दिया और बोली कि नहीं आपको 17 तारीख को ही आना है। और हेमंत सोरेन जब ईडी आप जा रहे थे इसके पहले सीएम निवास पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेसों को संबोधित करते हुए कहा कि देखा जाए कि किस तरह का हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है वो पूर्ण से राजनीतिक साजिश है और हमको जिस तरह से समन दिया जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मैं भाग रहा हूँ कहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह की कई बातें उन्होंने प्रेस मीडिया के सामने कही और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि जो सोचने की बात है जिस राज्य में 1,000 करोड़ की आमदनी नहीं होती है उस राज्य में 1,000 करोड़ का घोटाला कैसे हो सकता है जो हम पर आरोप लगा है। उन्होंने सीएम हेमंत ने ईडी आते जाने से पहले उन्होंने लगभग 10 बजे ये बात कही। राजेश जी खनन घोटाले मामले को लेकर पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने कार्रवाई की थी, दो अन्य व्यक्ति भी थे उनके साथ, दो अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज सीएम से फिर पूछताछ, इन सबका क्या कनेक्शन हो सकता है आपस में? देखिए कनेक्शन कहीं ना कहीं तो है, ऐसा माना जा सकता है कि जब हेमंत सोरेन के पंकज मिश्रा हैं वो काफी नजदीक है, वो मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के रूप में थे और इतनी बड़ी तादाद में पैसा मिलना और खनिज जो आपका खनन पत्ता है और उनके नाम पर हो जाना ये भी एक ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं तो संलिप्तता दिख रही है। और ईडी ने लगभग 200 सवालों का जवाब
जवाब मांग रहे हैं हेमंत सोरेन से, और उसमें पंकज मिश्रा से भी सवाल पूछा जा सकता है, अविनाश कुमार से संबंधित भी सवाल पूछा जा सकता है, और अन्य कई कारण है जिसके कारण से इनके ऊपर समन किया जा रहा है। और जब से इनको समन मिला है तब से लगातार झारखंड की राजनीति के गलियारे में हलचल मची हुई है। हर लोग ताश लगा के बैठे हुए हैं कि आखिर होगा क्या। और कल ही हेमंत सोरेन जब उन्होंने 16 तारीख को जब खारिज कर दिया गया इनके पत्र को ईडी ने, तो अपने शाम को भी अपने गठबंधन सरकार और अपनी पार्टी के तमाम लोगों के साथ बैठक की, और बैठक करने के उपरांत उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, और जो भाजपा है, जो भाजपा की सरकार, जो पूरे देश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहां भी कोई गैर भाजपा सरकार होती है वहां पर कुछ न कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है जिससे सरकारें गिर जाती है, वैसे ही हालत लगता है कि यहां भी बनाने के लिए ये लोग किसी न किसी रूप से षड्यंत्र रख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन ने कहा है। जी, आपने कहा कि बैठक की गई थी कल ईडी के सामने पेश होने से पहले बैठक की गई थी। जेएमएम की पहले बैठक हुई थी, उसके बाद फिर कांग्रेस ने अलग से, दोनों ने पहले अलग अलग से बैठक की, फिर दोनों फिर दोनों विधायक, दोनों गठबंधन की जो सरकार है वहां पर दोनों एक साथ विधायकों ने बैठक की। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बैठक पहले एक साथ अलग अलग करना फिर एक साथ करना, ये किस ओर इशारा करता है? ये इशारा कहीं ना कहीं तो ऐसी बात नहीं, भले ही आपस में ही लोगों के बीच में यह बात कह रही हो मीडिया में कि हम लोग एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर दिखता है कि कहीं ना कहीं दरार तो आ रही है। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार चले, और कुछ जेएमएम के भी हैं वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस प्रति चले, लेकिन फिर भी मिला जुला के अभी इन लोग की मजबूरियां हैं, इन लोग के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं होने के चलते ये दोनों अभी मजबूरी में गठबंधन की सरकार में शामिल है। जी, ईडी के सामने पेश होने से पहले आज बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के, सीएम की सुरक्षा को लेकर 500 जवानों की वहां पर तैनाती की गई थी, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उसका डर हेमंत सरकार पर है? ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन पहले से आयत लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अगर समन जब से मिला था तो हेमंत के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग एक सुर में हेमंत के पक्ष में एक घेराव किए, वो हेमंत के निवास में कई लोग सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही लोग आना शुरू हो गए थे। इस तरह से देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया, यहाँ तक कि जो रांची के डीसी हैं और एसपी एसएसपी हैं और डीएसपी तीनों मिलकर अपने हाथों में कमान लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया, कई पुलिसों को खड़ा किया और 144 धारा भी लागू कर दिया गया, खासकर हरमू रोड स्थित में जो ईडी कार्यालय है क्षेत्रीय कार्यालय उसमें। और साथ ही एक बहुत बड़ा खबर ये भी उठा, ये आ रहा सामने उठकर कि हरमू रोड पर स्थित जो भाजपा का जो कार्यालय है उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, वहां पर भी पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया गया। ऐसा अंशंका लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसी ना हो कि वो जो कार्यकर्ता है जेएमएम का या कांग्रेस का कहीं उनके भाजपा के ऑफिसों में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या कुछ आगजनी का काम ना करे, इसे वहां पर कैब आग बुझाने वाली गाड़ियों को भी इंतजाम रखा गया है। और साथ ही लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिली है कि उस कार्यालय में भाजपा के कोई बड़ा नेता शामिल नहीं है, उसमें कोई अभी नहीं थे। राजेश जी, ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि ईडी के सामने पेश होने से पहले ईडी को एक चिट्ठी लिखी गई थी, उसकी जो ईडी जो जांच कर रही है उसके खिलाफ एक चिट्ठी लिखी गई थी, तो इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखने की कोशिश की थी उन्होंने सीएम? देखिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हेमंत सोरेन ने जो राज्यपाल है झारखंड के रमेश बैस, उन पर भी आरोप लगाए कि वे संवैधानिक पद पर रहकर वे असंवैधानिक पद की इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसे ऐसा भी देखने में मिल रहा है कि जैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो तालमेल है वो सही नहीं है, वो भाजपा लगातार जो है जो विपक्षी पार्टी है वो अपना राग गा रही है, और सत्ताधारी हमेशा यह कहती आ रही है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार की इशारों पर चलती है और उसकी सरकार को गिराने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करती जा रही है। अभी हाल भी आपने सुना होगा और खबरें भी देखी होगी पढ़ी होगी कि कुछ विधायकों के पास पैसा मिला था जिसमें करोड़ों की रुपया थी, तो ये भी कयास लगाया जा रहा था कि सरकार उसी समय गिर जाती, लेकिन
पहले ये जानकारी मिल जाने के उपरांत इस तरह की काम नहीं हो पाई। लेकिन लगातार इस तरह की अटकल लगाई जा रही है कि कभी न कभी हो सकता है कि सरकार गिर सकती है और यह आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन जो बैठक की गई थी जेएमएम वो जेएमएम के जो दफ्तर में जो बैठक की गई थी उसमें यह एक हेमंत सोरेन का बी प्लान है। बी प्लान का यह हुआ कि हो सकता है कि अगर किसी प्रकार का अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े किसी कारणवश तो हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी प्रस्तुत करें। लेकिन इसके लिए यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह मंजूर नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।